जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जीके की क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा आज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से प्लेनेट है और ये किसके चारों तरफ घूमते हैं, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। ये वीडियो का पार्ट वन रहेगा। पार्ट वन मीन टू से सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें बताने की हैं, बहुत गहराई का टॉपिक है, इसलिए सभी चीजें एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। पहला पार्ट आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास आर सोलर सिस्टम। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आज का टॉपिक, जो कंटेंट हमने चूज किया है सोलर सिस्टम, वो होता क्या है। एज यू नो दैट हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सन को, कि जैसे ही सन राइज हुआ पृथ्वी पर, पहले सूरज जब दिखा तो हमने देखा कि सूरज मूव कर रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन क्या हमें इसकी गहराई मालूम है? क्या एक्चुअल में सूरज मूव कर रहा है? क्या एक्चुअल में सन मूव करता है? नहीं, एक्चुअल में हमारी अर्थ मूव कर रही है। सन भी किसी के अराउंड मूव करता है। ये अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत गहराई की बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट करेंगे, राइट। तो अर्थ क्या है, वो सन के अराउंड मूव कर रही है। यहां पर अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो यहां ये देखिए, ये कितना बड़ा सन है, राइट। ये अगर इतना बड़ा सन है और इसके अराउंड ये आप देखेंगे कितने सारे ये प्लेनेट है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारा जो सन है, उस सन के अराउंड 8 प्लेनेट्स मूव करते हैं। सबसे पहले हमें यहां थोड़ा सा एक पिक्चर के माध्यम से, आप जो भी पीछे पिक्चर देख रहे हैं उसके माध्यम से, उसके जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक सन यानी अर्थ से इतने डिस्टेंस पर है, इतनी दूरी पर है कि हमें वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। अगर अर्थ इतनी दूरी पर है कि सन हमें इतना सा दिखाई दे रहा है और ये मूव कर रहा है, तो सोचो बाकी के जो 8 प्लेनेट है और जो कि अर्थ से बहुत दूरी पर है, यानी सन और दूसरे प्लेनेट का जो अर्थ से भी पीछे है, अर्थ से भी दूर है, उनसे कितनी दूरी पर हो सकता है, वहां से कितना और छोटा दिख सकता है सन। और अर्थ को इसके यानी सन के चारों तरफ एक राउंड पूरा करने में अगर 365 डेज लग रहे हैं, तो सोचो सबसे आखिरी वाला जो प्लेनेट है उसको कितने दिन लगते होंगे एक राउंड पूरा करने में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो सन है उसके अराउंड, उसके जो सराउंड मूव कर रहे हैं 8 प्लेनेट, वो कौन कौन से हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्लेनेट है वो है मरकरी। दूसरे नंबर का जो प्लेनेट है वो है वीनस। फिर हमारी अर्थ आ जाती है। एज यू नो दैट हमारी अर्थ यहां ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। अब ये ब्लू कलर की अर्थ दिखाने का प्रयोजन क्या है, क्यों हमें ये अर्थ ब्लू कलर की दिखती है? रीजन कि मैक्सिमम जो अर्थ का पार्ट, मैक्सिमम यानी 75% जो है वो वॉटर है, पानी है, और जो स्काई है हमारा दिन के टाइम हमें ब्लू दिखाई देता है। उसकी रिफ्लेक्शन जब वाटर पर पड़ती है तो ऑटोमेटिकली हमें वाटर का भी वही कलर दिखाई देता है। तो इसलिए अर्थ को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्लेनेट है वो है मार्स। मार्स के बाद है जुपिटर, फिर है हमारा सैटर्न, और उसके बाद है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। ये हमारे कितने 8 प्लैनेट्स आपके सामने हैं और इन 8 प्लैनेट्स को आपको लर्न करना है। सबसे पहला सन के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ छल्ले हैं? ये है हमारा जो सैटर्न है, उसके चारों तरफ छल्ले हैं। एक्चुअल में बेटा ये छल्ले नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े स्टोन है
जो कि दूर से देखने पर सराउंड में हमें छल्ले दिखाई देते हैं, राइट। एक्चुअल में ये सारी चीजें जो भी नोटिस करता है, जैसे भी जो भी कहते हैं कि अंतरिक्ष यानी स्पेस सेंटर जो होते हैं, जैसे नासा हो गया, भारत में इसरो हो गया, जो भी हमारे ये स्पेस सेंटर है वो हमें इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। फिर हमारा हो गया यूरेनस, फिर हो गया हमारा नेपच्यून। ये जो हमारे जो दूर के हैं, ये जो दूर के जितने भी प्लेनेट है, ये बहुत ही ठंडे प्लेनेट है, बिकॉज सन क्या है, सन बहुत ही गर्म स्टार है, इतना हॉट है, इतना गर्म है, उसके यानी सन के जितने ज्यादा नजदीक प्लेनेट होंगे वो उतने ही गर्म होंगे, और जितने ज्यादा दूर होंगे, जैसे कि हम आग सर्दियों में जैसे हम आग जाके जब हाथ सेकते हैं अपने आप अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, जितना ज्यादा नजदीक, ज्यादा नजदीक मतलब थोड़ा सा तो डिस्टेंस बनाए रखना ही है हमें, हमें अपनी बॉडी को बर्न नहीं होने देना, लेकिन गर्म करना है, गर्म यानी थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है। तो जब हम हाथ सेकते हैं तो जितना नजदीक होंगे उतना हमारा बॉडी जो है वो जल्दी गर्म होगा, लेकिन जितनी ज्यादा दूर होंगे हमें उस आग की जो गर्माहट है वो हमारी बॉडी तक पहुंचेगी नहीं। तो सेम केस सन के साथ है, सन अगर दूर है तो उस प्लेनेट से तो उसका टेम्परेचर कम रहता है। अब हमारे अर्थ से जितनी दूरी पर क्या है, सन है, तो हमारी अर्थ का जो गर्मियों में समर के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे 50 डिग्री के आसपास हो जाता है, विंटर्स में जहां ठंड होती है वहां माइनस में कहीं 40 डिग्री भी हो जाता है, कहीं अलग अलग जो रीजन है वो अलग अलग टेम्परेचर दिखाते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं कि सन के अराउंड जो प्लेनेट अपने एक्सिस पर मूव करते हैं, जब वो अपने एक्सिस पर, एक्सिस क्या होता है, उनका एरिया, उनका एरिया, एक्सिस पर जब वो मूव करते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, तो ये है हमारा सन। अब एक पकड़ लेते हैं, एक प्लेनेट पकड़ लेते हैं, अर्थ। ये है अर्थ, देखो अर्थ के आसपास हमने बादल भी दिखा दिए, पानी भी दिखा दिया, और कुछ ऐसे एरिया भी दिखा दिए जहां पर रहते हैं, राइट। अब अर्थ के एक्सिस को पकड़ लेते हैं, अर्थ का एक्सिस यानी अर्थ इस एक्सिस पर मूव करेगी, ये है अर्थ का एक्सिस। ऐसे ही जितने भी 8 प्लेनेट हैं उनका सबका अपना अपना एक्सिस है, सबका अपना एक्सिस होने का मतलब सबको अपना एरिया दिया हुआ है कि आपको इस एरिया में मूव करना है, दिया हुआ किसी का नहीं है, लेकिन वो अक्सर उसी एक्सिस पर ही मूव करते हैं, राइट। अभी हमने क्या सीखा कि किस एक्सिस पर मूव करते हैं, तो आज की क्लास में सबसे पहले हमें ये सोलर सिस्टम, उसके प्लेनेट और उसके प्लेनेट कितनी दूरी पर है, यानी सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा है, किसके चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं, ये सब हमने आप आज की क्लास में सीखा है। तो मोरल मैं बता देता हूं कि एक सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम एक एक सन, प्लेनेट और प्लेनेट के भी यानी जो प्लेनेट है उसके भी स्मॉल स्मॉल प्लेनेट्स होते हैं, उप प्लेनेट्स बोल देते हैं या उपग्रह बोल देते हैं, राइट। उप प्लेनेट जो होते हैं, जैसे अर्थ का उपग्रह मून है, ऐसे ही अलग अलग प्लेनेट के किसी के 2, किसी के 4, किसी के 7, जैसे जुपिटर है उसके 7 उपग्रह होते हैं, राइट। तो अलग अलग प्लेनेट के उपग्रह भी होते हैं। अभी सोलर सिस्टम में क्या आया, सन आया, प्लेनेट आया और जो उपग्रह है वो आए, इन सब के कॉम्बिनेशन से, इन सब का जो परिवार है, इस पूरे परिवार को बोलते हैं सोलर सिस्टम। बात समझ में आई, सन प्लेनेट यानी जो सन है, सन यानी सूरज है, उसके बाद हमारे जो ग्रह हैं और उसके बाद जो उपग्रह है, इन सब के पूरे परिवार को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब आज की एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो भी आज तक सीखा है, जो भी अभी तक हमने इस क्लास में सीखा है उसको थोड़ा दोहराने के लिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट क्या है, जिसके चारों तरफ सब सब घूमते हैं, क्या है, सन। दिस प्लेनेट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, मर्करी प्लेनेट, राइट। दिस प्लेनेट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा जुपिटर। दिस प्लेनेट हैज रिंग्स अराउंड इट, छल्ले रिंग्स हैं चारों तरफ, कौन सा है, सैटर्न। दिस प्लेनेट इज लोकेटेड बिटवीन द मर्करी एंड अर्थ,
मरकरी और अर्थ के बीच में कौन सा प्लेनेट है? वीनस। राइट, यहां आप लिख सकते हो वीनस। दिस इज द प्लेनेट वी लीव ऑन। हम कहां रहते हैं? हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं? उसका नाम है अर्थ। राइट, तो ये क्या है, आज की क्लास का रिवीजन भी हो गया। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा। सोलर सिस्टम से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट भी अलग अलग वीडियोस में आप देखोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।